कितना शांत और सुंदर है ये समुंदर। काश हम किसी मुंदर को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि भ्रमण के लिए आए होते। एक नारियल का इतना शोर। मुंजा आराम खत्म, लड़ाई शुरू। मुझे लगता है मुंदर ने आक्रमण कर दिया है, लेकिन कोई नजर तो नहीं आ रहा। महाराज देखिए। बस तीन। हम बराबरी में विश्वास रखते हैं। वैसे तो तुम्हारे लिए एक भी काफी है। मुंदर जब समुंदर में जहाज लेकर आता है तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाता है। इस बार तुम सिर्फ अपनी हार लेकर जाओगे। इस मुंदर को हराना मुश्किल है, हमें उसके जहाज तक पहुंचना होगा। अभी लीजिए महाराज, अगर वो समुंदर का राजा है तो हम आसमान के तूफान बन जाते हैं। अचानक ये तूफान कहाँ से आया और मुंदर को ले गया। मुंजा मुझे पता है कि मुंदर को कौन बचा कर ले गया है। मुझे पहले से ही शक था कि मुंदर अकेला नहीं है। आप क्या कह रहे हैं महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी अंगूठी से पता करो कि समुद्र सम्राट कहाँ मिलेंगे। सीधे ध्रुव तारे की ओर, जहाँ पानी के झरने से बना है एक छोर, थोड़ा सा नीचे समंदर सम्राट मिलेंगे उस पर्दे के पीछे। हमें जल्द ही वहाँ पहुँचना होगा, वक्त बिल्कुल कम है हमारे पास। पर्दे के पीछे। मुंदर का जहाज। तो मेरा संदेह सही निकला, मुंदर अकेला नहीं था, समुद्र सम्राट भी उसके साथ है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। समर्पण कर दो वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। समुद्र सम्राट की जय हो। समुद्र सम्राट, तुमने मुझे कैसे पहचाना राजन? जब मुझे वरुण ने मुंदर की कहानी बताई मुझे संदेह हो गया था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि समुद्र सम्राट को इस चोरी के काम की क्या जरूरत पड़ गई। कहानी बहुत लंबी है। मेरे पास समय है सुनने का सम्राट। तो सुनो, मैं और मेरे सैनिक एक बहुत बड़े समुद्री लुटेरे को हराने के लिए गए और हमने उसे हरा भी दिया। आप
मेरी जान बख्श दीजिए सम्राट, बदले में मैं आपको एक अद्भुत खजाना दूंगा। मुझे खजाने का लालच नहीं लुटेरे। मैं आपको 4 जादुई हीरे दूंगा। लाल हीरा, जिसके पास होगा उसके पास कभी खाने की कोई कमी नहीं होगी। हरा हीरा, जिसके पास होगा उसके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। पीला हीरा, जिसके पास होगा उसको समझ बूझ में कोई नहीं हरा पाएगा। और नीला हीरा, जिसके पास होगा उसको कभी सशस्त्र सेना की कमी नहीं होगी। ठीक है, इतने कीमती हीरे मिलने के बाद भी आप इस तरह के कुकर्म में कैसे फंस गए? हीरे मिले कहाँ, अभी कहाँ मिले? मेरा मतलब है, मेरे ही कुछ सैनिक वो हीरे चुरा कर भाग गए और उन्हें किसी व्यापारी को बेच दिया, और अब मुंदर की मदद से आप उन्हें तलाश रहे हो। और जब तक वो हीरे मिल नहीं जाते, आप यूं ही हर व्यापारी को लूटते रहोगे। मगर ये तो सरासर गलत है, उन व्यापारियों का क्या दोष? कुछ गलत नहीं है ये, मुझे किसी भी कीमत पर वो हीरे वापस चाहिए। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और बंद कर दो। से भाग कर कहाँ जाओगे विक्रमादित्य? मुंदर तो गया, अब समुंदर की बारी है। आ जाओ तुम सब, इस बार पूरी तैयारी है। अब क्या करेंगे? अब बताओ समुंदर सम्राट। हमारी तुम सबसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप लोग चाहो तो जा सकते हो, बच जाओगे इस पाखंडी से। अब जल्दी बता कि तूने असली समुद्र सम्राट को कहाँ छिपा रखा है, बता। इसी तहखाने के अंतिम कक्ष में। महाराज विक्रमादित्य, मैं और पूरा समुद्र राज्य आपके हमेशा आभारी रहेंगे। अगर आप यहाँ नहीं आते तो हम इस लुटेरे के चंगुल से कभी नहीं बच पाते। आपको वरुण का धन्यवाद करना चाहिए, वही हमें यहाँ लेकर आया है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये सम्राट नहीं बल्कि कोई पाखंडी है? जब ये मुझे हीरो की कहानी सुना रहा था, तब मुझे इसकी हरकतों से पता चल गया था कि ये सम्राट नहीं है बल्कि नकली चेहरे के पीछे छिपा हुआ कोई बहरूपिया है। लेकिन असली कहानी क्या है ये तो आप ही बता सकते हैं। असल में ये एक बहुत बड़ा समुद्री लुटेरा है और मैंने इसे हरा कर कैद कर लिया था। फिर इसने माफी मांगने का नाटक किया और बदले में आपको 4 जादुई हीरे देने का वादा किया। बिल्कुल, लेकिन मुझे उन हीरो का लालच नहीं था, इसीलिए मैंने वो हीरे अपने 4 वीर सैनिकों को दे दिए और वो सैनिक अब बड़े व्यापारी बन गए हैं। फिर? लेकिन ये लुटेरा एक दिन भेष बदल कर आया और इसने चालाकी से मुझे बंदी बनाकर खुद समुद्र सम्राट बन गया। लेकिन असली असली होता है और नकली नकली। सच बहुत सरल होता है सम्राट, और झूठ जटिल होता है, इसलिए झूठ आसानी से पहचान में आ जाता है। ये कहानी इतनी जटिल थी कि कोई बच्चा भी समझ सकता था कि कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो किसी ना किसी को उसे सुलझाना ही होगा। देखा? तो दोस्तों, समुद्र के रहस्य अभी और भी हैं, जिनमें मिलेगा आपको ढेर सारा मजा। नमस्ते दोस्तों, आप लोग सही समय पर आए हैं। आज मैं आपको महाराज विक्रम की एक अनोखी कहानी दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, वैसे तो महाराज विक्रम की हर कहानी अनोखी होती है, लेकिन इस कहानी की बात कुछ और ही है। नहीं, मैं इस कहानी के बारे में आगे और कुछ नहीं बताऊंगा।
आप खुद ही देख लीजिए क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे मुझे जाने दो भाई मैंने कौन सी तुम्हारी हड्डी चुराई है मैं हूँ लिलीपुट सम्राट मुझसे भागकर कहाँ जाओगे मेरा हुक्म मानोगे तो शायद बच जाओगे तुम सब के सब मेरे बंदी हो और अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा वरना तुम सब मारे जाओगे सब लेकिन तुम हमसे करवाना क्या चाहते हो मैं पास वाले ग्रह पर कब्जा करना चाहता हूँ पर क्यों अरे मेरी मर्जी मैं जो चाहूँ करूँ तुम्हें क्या लेकिन मेरे अकेले की जादुई शक्तियों से उन पर काबू कर पाना मुश्किल है इसीलिए मैं तुम लोगों को भेजूंगा अगर हम भाग गए तो मैं सिर्फ आधे लोगों को ही भेजूंगा बाकी आधे मेरे साथ रहेंगे बंदी बनकर और अगर तुमने चालाकी की तो सबको तो उसने बंदी बना लिया अब हमें बचाएगा कौन अब तो बस वही बचा सकता है मुंजा कौन सा मुंजा हम सभी मुंजा ही तो है यहाँ वही जो पृथ्वी लोक पर है उसे संदेश भेजो मुंजा मुंजा हूँ तो मैं पृथ्वी पर ही लेकिन ये सपना कैसा था लिलीपुट जादूगर ने चली है चाल बहुत गंदी उसने बनाया है तुम्हारे पूरे ग्रह को बंदी सिर्फ तुम ही बचा सकते हो उन सबको चलो अब तुम कमर कस लो मैं तो तुम्हारी चीख सुनकर यहाँ आया था लेकिन ये तो मुझे जाना होगा महाराज मुंजा लोग को मेरी जरूरत है नहीं मुंजा तुम नहीं हमें जाना होगा मेरी हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया है तो मेरा कर्तव्य भी यही बनता है कि मैं भी तुम्हारी इस मुश्किल की घड़ी में तुम्हारा साथ दूं ये लोग कौन है और हम पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं ये जरूर उस जादूगर के पालतू होंगे इसलिए हमें रोक रहे हैं इन्हें हराने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी इन्हें कोई हड्डी फेंकनी होगी के लालच में मन डोला और अड़ गया उनका उड़न खटोला कुछ रास्ते तो मैं अब भूल भी चुका हूँ लेकिन यहाँ कुछ भी ज्यादा नहीं बदला
मुंजा, ये कोई साधारण श्वान नहीं लगता, इसको अलग हड्डी देनी पड़ेगी। हमें बहुत खुशी है मुंजा कि तुम हमारे बुलाने पर आ गए। मुंजा बुलाए और मुंजा ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन वो मुंजा नजर नहीं आ रहा। मुंजा को तो लिलीपुट ने महल में ही कैद करके रखा है, और साथ में मुंजा और...